मेहर जी अम्मी। ये देखो, मुझे अपने पुराने संदूक में से क्या मिला। मरियम की फ्रॉक। इन छोटी छोटी सी चीजों में मरियम की कितनी यादें कैद हैं। उस लड़की को देख के ऐसा लगा मुझे जैसे वही मरियम है। इन यादों में आज तक आपने उसे जिंदा रखा है, शायद इसलिए मुझ तक ये खबर पहुंची जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। अब तक तो काफी बड़ी हो गई होगी ना? नहीं, इतनी बड़ी तो हो गई होगी ना? आखिर कब तक हम सिर्फ अपनी यादों में मरियम की खैरियत और उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते रहेंगे? मालूम नहीं किस बात से खफा है मेरी बच्ची, जो आज तक घर नहीं लौटी। ये मेरी नई इंटर्न है जो मेरे साथ मेरे नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। आज के बाद ये इसी घर में रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना तुम, कि तुम इस घर में एक गेस्ट हो, गेस्ट बन के रहना। अगर किसी से भी नए रिश्ते बनाने की कोशिश की पुराने रिश्तों से हाथ धो बैठोगे। अब्बू के लिए अपने घर आ गई, लेकिन दूरियां तो वैसी ही हैं। रिश्तों में दूरियां तो अभी भी हैं। पता नहीं कब अपनी अम्मी को अम्मी कह पाऊंगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, चलिए। पेन ड्राइव तो मैंने ले ली, लेकिन इसकी एक कॉपी अभी भी उस मंजीत के पास है। उसी के बेसिस पे इसने मुझे ब्लैकमेल किया और यहाँ रहने आ गई। लेकिन सिर्फ दो दिन में मैं इस वीडियो को अपने न्यूज चैनल में अपलोड कर दूंगा, देन इस लड़की को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। मेरी स्टोरी भी मेरे पास होगी, मजाज खान से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, और मंजीत इस घर से बाहर, मतलब तीन काम एक साथ। ये वो वाला कमरा। वो वाला कमरा क्यों? ये वाला कमरा क्यों? वो आते फवाद ने कहा था कि कोई कॉर्नर वाला रूम लेना है, इसीलिए। आज से ये कमरा तुम्हारा। अम्मी आप ऐसे कैसे? भले ही आपकी छोटी मरियम अब बड़ी हो गई हो, लेकिन आज भी मुझे इंतजार है।
मैं तरस रही हूँ आपके डांट के लिए, आपके फटकार के लिए। आपके गरम गरम हाथों को अपने कालों पे महसूस करना चाहती हूँ अम्मी। आज भी मुझे आपके प्यार का इंतजार है। क्या हो गया आपको अम्मी? एक पल बिना सोचे आपने मरियम की कमरे की चाबी यूं किसी अनजान लड़की के हाथ में थमा दी? मरियम के कमरे का दरवाजा जो आपने हमेशा के लिए बंद कर दिया था, आज अचानक से आपने किसी और के लिए खोल दी। आपने तो मुमानी जान को भी मना कर दिया था उस कमरे के आसपास भटकने के लिए। आप अपनी कही हुई बात कैसे भूल सकती हैं अम्मी? कुछ बोलेंगी आप? आपकी ये खामोशी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही अम्मी। हाँ ठीक है, सही कहा तुमने मेहर, खामोशी किसी सवाल का जवाब नहीं होती, लेकिन हर सवाल का जवाब हो वो भी जरूरी नहीं है। अंदर घुसने की कोशिश भी की ना तो कच्चा चबा जाऊंगी। अगर आप स्कूल जाने के लिए जल्दी से रेडी नहीं हुई तो आज मैं आपको छत पे नहीं जाने दूंगी। बेटा ये कैमरा आप ही के लिए है, बट आपको इसके काबिल बनना पड़ेगा। आपको शौक है ना पिटाई का, आइए अपने अब्बू के साथ आप भी आ जाइए। की होया पुत्र, तू रो क्यों रही है? ये देखो बीजी, मैं अपने कमरे में हूँ, लेकिन इस रूम में पहले जैसा कुछ नहीं है। इस घर में सब मुझे हेट करते हैं बीजी, कोई पसंद नहीं करता। रोंदे नहीं पुत्र, रोने से इंसान कमजोर पड़ जाता है। और फिर तू वहाँ किसी मकसद से गई है ना? ना बिल्कुल कमजोर ना पई, अपने आंसू पोंछ ले, छोटी छोटी बातों में रोते नहीं पुत्र। और फिर इन्ना हॉट शॉट मुंडा मिले हैं कि ना उदा? हाँ फवाद, दोस्ती कर ले उदे नाल। बीजी मैं यहाँ इतनी इमोशनल हो रही हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है और आप ये हॉट शॉट वाले चैप्टर बीच में लेके आ गए। चल पुत्र, इसी बहाने मैं तेरी मुस्कान से देख लेती है। देख की रही है, उठ ते शुरू हो जा, अपना कमरा उसी तरह बना जिस तरह तू बनाना चाहती है। और एक कल ना खुलनी, कल तो तेरी एक नई इनिंग शुरू होने वाली है। तो तू उस मुंडे नु अपने कम तो इंप्रेस कर दे। और एक गल याद रखे, जब तक उस पेन ड्राइव का डर उसके अंदर है ना, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तेरे पास दूसरी कॉपी नहीं है। यही तो मौका है, तू अपने अबू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उससे निकाल दे। हाँ जी, आप टेंशन मत लो, मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी। ओ मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं लेंदी हूँ, टेंशन लेने से बाल झड़ जाते हैं। और फिर मैंने तो कल ही नई शैम्पू की बोतल खोली है। ठीक है बीजी, अब अपना ख्याल रखना, ठीक है? रब रखा। अपने मकसद के इतने करीब पहुंचने के बाद मैं हिम्मत नहीं हार सकती। बस मुझे जल्द से जल्द फवाद के जरिए अबू के सच तक पहुंचना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।